आज हम देखेंगे इस 12 वोल्ट पोर्टेबल फैन कम इमरजेंसी को कैसे बनाया है। इसका मेकिंग वीडियो पूरा देखिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पंखा को बनाने के लिए स्टव का एक डब्बा ले लेंगे। देखिए डब्बा के अंदर दो बैटरी है, ये बाइक का पुराना बैटरी है। मोटर में हम लेंगे ये 555 का मोटर। हमारा जो फैन है ये 555 का ही है। आप चाहे तो 775 मोटर को भी ले सकते हैं, ये मोटर बेस्ट रहेगा, लेकिन हमारे पास इसका प्रोपेलर नहीं है तो इसीलिए इसको अभी चूज़ नहीं कर रहा है। मोटर को ठंडा रखने के लिए इस टाइप का हमने फिन्स बनाया था। इसका वीडियो हमारे चैनल में है, वहाँ आप देख सकते हो, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों में बनाए थे और टेस्ट भी किए थे, तो यही मोटर का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए ये दोनों बैटरी को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए देखिए कैसे घूम रहा है, देखिए कितना ज़बरदस्त घूम रहा है। दोनों बैटरी है, पंखा बहुत बढ़िया घूम रहा है। तो चलिए बैटरी को हम थोड़ा सफाई कर लेते हैं। देखिए हमारा जो दोनों बैटरी है जितना हो सके उतना क्लीन कर लिए हैं। देखिए हमारा जो डब्बा है इसके अंदर बैटरी इस टाइप का बैठेगा। हमारा जो फैन है वो 12 वोल्ट का है। बैटरी का बैकअप बढ़ाने के लिए इन दोनों बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में। नेगेटिव पॉजिटिव कभी शॉर्ट ना हो इसलिए हम इसके स्लिप लगा दिए हैं। देखिए हमारा जो फैन का बेस है वो ये है, और इसके ऊपर फैन को जो खड़ा करेंगे इस टाइप का टी और पाइप ले लेंगे। तो टी को हमारा यहाँ पर लगाना है, इस टाइप में लगाना है, और इसके ऊपर हमारा जो ढक्कन है इसको बंद कर देना है। ढक्कन को बंद करने के लिए इस टाइप का छोटा स्क्रू का सहायता लेंगे। देखिए हमारा जो ढक्कन है अच्छे से बैठ गया है। अब पंखा को खड़ा करने के लिए यहाँ पे जो टी लगा है इसका यहाँ पे हम होल कर लेंगे और इसको अच्छे से बैठा के स्क्रू लगा देंगे यहाँ पे। देखिए अंदर में जो टी लगा है उसके साथ ये चारों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया है और इसको सीधा खड़ा कर लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं और एक फैन को बनाते हैं। अब हमारा जो मोटर है इसको माउंट करने की व्यवस्था करेंगे और साथ में इस पंखा को लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस टाइप का जाली का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये मोटर इस जगह पे लगेगा, इस टाइप का लगेगा इधर से, इस डायमीटर के हिसाब से यहाँ पे एक होल कर देंगे। मोटर को माउंट करने के लिए यहाँ पे होल बना लिए हैं और इसका स्क्रू के लिए भी होल बना लिए हैं और इस टाइप का एक वॉशर बना लिए हैं ताकि मोटर को अच्छे से टाइट कर सके। देखिए मोटर को इस टाइप का माउंट कर दिया है और इसके पीछे से देखिए ये इस टाइप का माउंट हो गया है। अब इसमें मजबूती देने के लिए हमारा जो फिन्स निकला हुआ है मोटर में उसी में बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट को खोलेंगे और एक तो और होल करेंगे और एक पाइप को ऐसे जोड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं, पहले इसको हम खोल लेंगे। यहाँ पर जो होल है इसी का सीध में एक तो होल कर लेंगे। यहाँ पे लगाने के लिए पाइप को थोड़ा सा बीच में काट लेंगे। देखिए इसके बीच को फाड़ के इस टाइप का बना लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे इसको, यहाँ पे अच्छे से बैठ जा रहा है। अब पहले इसके साथ फिटिंग करेंगे फिर इसे बनाएंगे ताकि इसके साथ बिल्कुल टच रहे। तो हम इसको अच्छे से पोजिशन कर लेंगे। अब इस पर हम होल बनाएंगे। मोटर का फिन्स में जिस टाइप का होल है पाइप में भी सेम उसी टाइप का होल बना दिया है। अब इसको पोजिशन करके और नट बोल्ट देकर टाइट कर देते हैं। देखिए पाइप के साथ नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इस साइड में हमारा जो पंखा है इसको थोड़ा सेट कर लेंगे ताकि इसका किनारे में पंखा का ब्लेड लगे ना, और उसके बाद इस पाइप को अच्छे से सेट करके यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब इस पर कहीं पर टच नहीं हो रहा है। अब इस फैन में हम इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए इस टाइप का 12 वोल्ट का LED हमने मार्केट से लाया है। ये 15 रुपया पीस है, हमने 4 पीस लाया है तो इसको चारों जगह में सेट करेंगे। देखिए इसमें डबल टेप के मदद से चिपका देंगे और साथ में यहाँ पे होल है, इसमें स्क्रू भी लगा देंगे। सारा लाइट को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। ये जो तार है इसको अंदर से घुसा देंगे। देखिए लाइट का एक साइड के तार को होल करके अंदर ले लिया है, ऐसे सभी को करेंगे और एक साइड को काट देंगे। लाइट का सारा तार बाहर निकल गया है, इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में। देखिए चारों लाइट के साथ कनेक्शन कर दिया है। लाइट और फैन के साथ कनेक्शन के लिए इस टाइप का दो तार ले लेंगे। एक में इस टाइप का गोल पिन लगा हुआ है और दूसरे में चपटा पिन लगा हुआ है। और पंखा का और लाइट का तार ले जाने के लिए एक तो यहाँ पे होल करेंगे और एक तो यहाँ पे होल करेंगे।
देखिए दोनों तार को निकाल लिए है, जो गोल वाला पिन है इसके साथ पंखा का कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन इस तरह करेंगे कि हवा इसका बाहर तरफ जाए। देखिए पंखा का कनेक्शन हो गया है, अब लाइट का कनेक्शन करेंगे। लाइट का कनेक्शन नेगेटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में करेंगे। लाइट के साथ जो तार लगा है इसमें ग्लूगन से भर देंगे और उसको अच्छे से पोजिशन कर देंगे। इधर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब इस पर एक ढक्कन लगाएंगे ऊपर से। इसी का जाली है, थोड़ा सा इसका फिन्स काट के अलग कर लिया है। इसको इस तरह का पोजिशन कर लेंगे और ये जो मोटा पोर्शन है इसके साथ इसको छोटा सा स्क्रू देके इसको टाइट कर देंगे। देखिए हमारा फैन का इस पार्ट पूरी तरह तैयार हो गया है। तो चलिए अब कनेक्शन करेंगे पंखा लाइट के साथ। कनेक्शन के लिए यहाँ पर सारे सिस्टम बनाएंगे। इधर हमारा पंखा रहेगा तो इस साइड में हमारा जो स्विच है और कनेक्टर है लगाएंगे। तो इधर हम पहले कनेक्टर लगाएंगे, फिर रेगुलेटर रहेगा, फिर पंखा का स्विच रहेगा, फिर लाइट का स्विच रहेगा। देखिए स्विच और कनेक्टर के लिए सब जगह बना लिया है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगाएंगे पंखा के लिए। तो चलिए इसको खोलते हैं और कनेक्शन करते हैं। देखिए हमारा जो रेगुलेटर है इसको ठीक से बढ़ाने के लिए यहाँ पे होल दिया हुआ है, इसमें हम दो होल कर लेंगे इसके साथ। तो चलिए फिक्स करने से पहले इसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। बैटरी पॉजिटिव के साथ तीन तार जोड़ लेंगे, एक तार चार्जिंग कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, एक तार पंखा के स्विच के साथ जोड़ देते हैं और एक तार लाइट के स्विच के साथ जोड़ देते हैं। अब इस स्विच से हम यहाँ पे जो रेगुलेटर का इन है उसमें लगा देंगे। देखिए बैटरी नेगेटिव के साथ तीन तार लिए हैं, एक तार चार्जिंग कनेक्टर के साथ चला गया है और एक तार हमारा रेगुलेटर में चला गया है और ये जो तार है ये हमारा लाइट के लिए है। देखिए इधर का कनेक्शन कम्प्लीट हो गया है, ये दोनों तार रेगुलेटर से निकला है, ये पंखा के लिए है और ये दोनों तार हमारा लाइट के लिए है। इन दोनों तार को इसके अंदर से निकाल लेंगे। इधर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हमारा जो रेगुलेटर है पोजीशन करके यहाँ नट बोल्ट लगा देंगे। देखिए इसमें कनेक्शन पूरी तरह हो गया है, तो चलिए इसको धीरे धीरे लगाते हैं। अब उसमें दो तार निकला है, इस तार में ये वाला सॉकेट लगाएंगे जो चपटा पिन है और इस तार में हम एक गोल पिन को लगाएंगे। देखिए हमारा जो 12 वोल्ट का पोर्टेबल फैन था उसके लिए कनेक्शन पूरा हो चुका है इस साइड का और इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इसमें दो 12 वोल्टेज आउट है। अभी इस पाइप को यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, इसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इसके अंदर दोनों आ जाएगा। अब पंखा को मूवमेंट के लिए एक हमने जुगाड़ बनाया। देखिए इस टाइप का सॉकेट था, इसको हमने काट के इस टाइप का बना दिया जिसमें एक होल भी है, इसको इसके ऊपर लगाना है। सेम चीज़ हमारा जो फैन का पाइप है उसमें भी दो होल किया हुआ है, इस टाइप का थोड़ा सा राउंड शेप में काट दिया गया है। इसमें कोई ग्लू नहीं लगाएंगे, ये जब चाहे तो आप इसको खोल सकते हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं। पंखा का पाइप और इसको जोड़ने के लिए इस टाइप का एक बोल्ट लिए हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं। देखिए ये बोल्ट का माथे में एक इस तरह का प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया और इसमें एक नट अंदर डाल दिए और उसको भी इस तरह बना लिए हैं ताकि जब हम टाइट करेंगे तो आसानी से हम टाइट कर सकें। देखिए इस टाइप का, अब इन दोनों के साथ इसको जोड़ लेंगे। दोनों पिन लगाने के बाद हमने टेस्ट किया तो चपटा पिन अच्छा काम कर रहा था, मतलब लाइट जल रहा था, लेकिन पंखा वाला गोल्ड पिन एकदम काम नहीं किया, तो उसको हम चेंज करके चपटा पिन लगा दिए। और इस पिन में लिखती है जैसे एल लिखे लाइट के लिए और एफ लिखे फैन के लिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा पोर्टेबल फैन कम इमरजेंसी लाइट बन के तैयार हो गया। इसका दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक पार्ट है। देखिए इसमें हमारा बैटरी पैक है, इसमें बाइक का दो पुराना बैटरी डाले हैं। आप चाहे तो इसको लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं, उसमें और थोड़ा पोर्टेबल हो जाएगा। तो चलिए इस फैन को लगाने से पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर देते हैं। तो देखिए इस टाइप का हम थोड़ा कनेक्टर ले लेंगे और इसको लगा देंगे। अभी हम फैन के साथ लगाए हैं तो पहले इसका वोल्टेज देखिए। देखिए अभी जीरो है, देखिए अभी 2.4 दिखा रहा है, एकदम कम में है। बढ़ाते हैं, लगभग 12 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए लाइट का वोल्टेज लगभग 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए इससे कुछ टेस्ट कर देते हैं। जैसे ये लाइट को हम जला के दिखाते हैं, देखिए ये जल गया है 12 वोल्ट का। ये मोटर को चला के दिखाते हैं, देखिए मोटर चल रहा है। तो चलिए फैन के साथ थोड़ा जोड़ देते हैं। तो चलिए ये छोटा डोर मोटर चलाते हैं, देखिए चल रहा है। ये 775 मोटर है, इसको भी चला लेते हैं। देखिए एकदम कम है, देखिए जैसे बढ़ रहा है, अरे फुल हो गया।
तो चलिए आपने देख लिया इसको पोर्टेबली कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इस पार्ट को हम नहीं जुड़ेंगे तो भी इसमें इमरजेंसी चला सकते हैं, कोई पंप है उसको चला सकते हैं जो 12 वोल्ट का अंदर है। तो चलिए इन दोनों को आप जोड़ देते हैं। इन दोनों जोड़ने के लिए ये लाइट का है, इसको लाइट का जोड़ेंगे, यहाँ पे इंडिकेशन किया हुआ है, और ये हमारा फैन का है तो इसका जोड़ेंगे। अब ये दो तार को पोजिशन करके और इसके साथ लगा देंगे। ऊपर का पार्ट को नीचे से जोड़ने के लिए इस तरफ का हम स्क्रू लिए है और यहाँ पे हम टाइट कर देंगे इसको। देखिए हमारा जो फैन और इमरजेंसी वो तैयार हो गया है, स्टेयर ज्वाइंट हो गया है। देखिए ये पार्ट सारे खुल सकता है और इसको अगर घुमाना है तो नीचे का पार्ट तैयार घूमेगा। ये देखिए ऐसे घूम भी सकता है। जब भी हम इसको घुमाएंगे तो थोड़ा प्यार से घुमाएंगे क्योंकि तार भी उसके साथ घूमेगा। तो चलिए इस लाइट को जला के दिखाते हैं ये कैसे जलता है। देखिए आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, बंद करो लाइट, बंद करो। देखिए सारा लाइट बंद हो गया, सिर्फ इसी का लाइट। कैसे इसको अंधेरा करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस टाइप का लाइट है, देखिए यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है। इसमें सिर्फ चार ही लाइट लगाया है ताकि बैटरी का खपत कम से कम हो और लाइट भी अच्छा रहे। तो चलिए आप फैन को चला के दिखाते हैं ये कैसे चलता है। देखिए चला है, अभी ये कम में है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे देखिए बहुत हवा है। अब अपने हिसाब से इसको पोजीशन कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके अगर आप लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। ये देखिए इसका लॉक हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और नीचे ले सकते हो या तो चाहे तो ऊपर भी ले सकते हो इस तरफ का। तो चलिए फैन के साथ अब लाइट को भी चलाते हैं। देखिए दोनों एक साथ चल रहा है अभी, तो बहुत सुंदर है। देखिए ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम चार्ज भी कर सकते हैं इसको और चार्ज के साथ साथ इसको हम चला भी सकते हैं। जब तो चार्जिंग के साथ चलाएंगे तो इसका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। हमारे ये पोर्टेबल बैटरी के सिस्टम और पोर्टेबल पंखा साथ में इमरजेंसी, ये आपको कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल में आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। तो चलिए आप भी हवा खा लीजिए।